आइए हम सब ओपन करेंगे यूहन्ना का 6 अध्याय। आज के संदेश का नाम है अ प्रॉफिटिक हिंट। क्या नाम है? अ प्रॉफिटिक हिंट। एक हिंट दे रहा हूं कि अगर आपने इसको सीरियसली लिया तो आप फ्यूचर में एक बहुत अच्छे मसीह बन सकते हो, पर अगर आपने इस हिंट को रिजेक्ट कर दिया तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, मुझे कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे यूहन्ना का 6 अध्याय, जॉन चैप्टर 6 और उसका 70। एक बहुत बड़ा अध्याय है बाइबल का, और देखिए यीशु क्या कह रहा है यहां पर। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। आइए सब यहां देखिए। Then Jesus answered, I choose all 12 of you, but one of you is a devil. अब सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब यीशु को परमेश्वर पिता ने कहा तुझे चेलों को चुनना है, और चेलों को चुनने के लिए बाइबल ऐसा बताती है उससे पहले उसे सारी रात प्रार्थना की थी। आपको पता है पूरी बाइबल के अंदर एक ही बार ऐसा मेंशन किया गया है कि उसने सारी रात प्रार्थना की थी और नेक्स्ट डे उसने अपने चेलों को चुना था। और आप अजीब बात देखोगे कि हर चेले का सिर्फ एक नाम है वहां पर, पतरस, शिमोन, जो भी थे वहां पर, फिलिपुस, आंद्रियास, पर आप में से कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया है यहूदा के साथ कुछ ऐड है वहां पर? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ा है। सुनिए, बाइबल बताती है यीशु पहाड़ पे गया, उसने प्रार्थना में सारी रात बिताई, पर वो जैसे नीचे उतरा उससे अपने 12 चेलों का चुनाव किया, और ये सब हो जाने के बाद जब सुसमाचार लिखा गया तो हर एक का नाम आया, मत्ती, ये वो जो भी थे, आंद्रियास, फिलिप्पुस, बर्तुलमै। पर आपको पता है जब नाम यहूदा स्क्रोती का आया तो वहां पर लिखा गया है जो उसका पकड़वाने वाला बना। अगर आज आपके घर में बच्चा जन्म ले और आप मुझे कहो ब्रदर इसका नाम रखो और मैं उसका नाम यहूदा रखूं, सिर्फ यहूदा, तो शायद आप में से किसी को भी इसका बुरा नहीं लगेगा। पर अगर मैं आपके बच्चे का नाम यहूदा स्क्रोती रखूं तो रखने दोगे? क्यों नहीं रखने दोगे? क्यों आपको वो नाम पसंद नहीं है? क्यों आपको गोलियत नाम पसंद नहीं है? कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, हम सिर्फ पढ़ लेते हैं पर उनके जो पीछे के काम थे हम उनको ध्यान नहीं देते। अगर मैं आपके बच्चे का नाम रखूं जूट, यहूदा, तो आप बोलेंगे ठीक है ब्रदर कोई बात नहीं, आपको जो प्रभु ने कहा। पर अगर मैं आपको कहूं कि इसका नाम यहूदा स्क्रोती रखना है तो क्या आप रखने दोगे? क्योंकि आपको पता है ये बदनाम नाम है। अगर आजकल देखो झगड़ों में लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, हिटलर है। क्यों आप अच्छे काम पे नहीं बुरे काम पे हिटलर बोलते हो? क्योंकि आपको पता है ना वो नेगेटिव कैरेक्टर है एक। अब देखो यहां पर क्या हुआ, बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु ने सारी रात प्रार्थना की, वो नीचे उतरा और उसने अपने 12 चेलों को चूज किया। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैसेज रात बहुत छोटा है और मैं आपको एक और वर्ड यहां पर कोट करवाऊंगा जो बड़ा ही कठिन है समझना। आप जानते हो यहूदा स्क्रोती वो व्यक्ति था जिसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे यीशु पानी पे चलता था, उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसे तूफानों को शांत किया था, उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालता है, और आपको पता है उसने अपनी आंखों से एक और चीज देखी थी जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, उसने देखा था कि यीशु कैसे पापियों के साथ बैठकर उन्हें काउंसिल करता है। आप बहुत जगहों पे सुसमाचार में पढ़ोगे कि यीशु का एक नाम था जो नाम था पापियों का मित्र। क्यों उसे ऐसा कहा गया, पापियों का मित्र? देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो लिखी नहीं है पर परमेश्वर प्रकाशन के थ्रू आपको समझाता है, क्योंकि लिखा है एक एक बात लिखी जाती तो वो किताब पूरे संसार में नहीं समाती। आपको पता है कौन सी चीज वहां पर लिखी गई है, वो उसको क्यों कहा गया कि वो पापियों का मित्र है? क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि यीशु हमेशा अपने प्रचार के बाद उनके साथ अपनी लंच शेयर करता था, उनका खाना खाता था, उन्हें बैठता था,
और सुनिए एक दिन क्या हुआ। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब यहूदा इस्करियोती और यीशु एक जगह पर थे और बाकी चेले भी वहां पर थे। और हुआ क्या, वहां पर एक लेडी आई, उसने अपना इत्र का बोतल लिया और यीशु के पैरों पे तोड़ दिया। अब यह देखकर यहूदा को बड़ा गुस्सा आया और उसने जानते क्या किया, उसने सीधा एक वाक्य कहा। उसने कहा, इसको क्यों बर्बाद किया, इसको बेच के हम गरीबों को दे सकते थे। बाजू में लिखा गया है वहां पर, उसने ये बात इसलिए नहीं की क्योंकि उसे गरीबों से मोहब्बत थी, पर वो चोर था और थैली में से पैसे निकाल के जाता था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के साथ एक ऐसा आदमी रहता था जिसके अंदर पैसों का प्रेम था। आपको पता है कितने सारे लोगों की जिंदगियां पैसों के प्रेम से आज बर्बाद सी हो गई हैं? कितने लोग ये बात जानते हैं? कभी कभी आपको पता है शैतान ने 2019 में बिलीवर्स के अंदर एक नया झूठ भरा है, और वो झूठ जानते हैं क्या है, बहुत पैसा होगा तो बहुत कंफर्ट होगा। डू यू नो, एक आदमी ने कहा, तुम प्रोटेस्टेंट हो, कोई तुम रोमन कैथलिक हो, और कोई यहां पर पेंटिकॉस्टल है, कोई मेथोडिस्ट है, तुम सब अलग अलग डिनोमिनेशन से हो, लेकिन एक चीज में तुम सब सेम दिखते हो, वो है पैसों के प्रेम में। आज कई लोगों के अंदर है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने काट और काट की मूर्तियां छोड़ दी हैं, पर उनके अंदर पैसों का प्रेम बहुत है। और आप देखो आहिस्ते आहिस्ते पैसों के प्रेम ने उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म कर दिया है। आप जानते हो, मैं आपको बाइबल का एक ऑसम वर्ड दिखाता हूं, सब यहां पर देखिए। पौलुस कहता है, रुपए और पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसको पाकर अपने लोगों ने विश्वास रूपी जहाज खो दिया। और आपको पता है उसके बाद क्या लिखा है, लिखा है, हे परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग और भक्ति का पीछा कर। आपको पता है पौलुस उसको समझा रहा है, पैसों में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, रियल प्रॉस्पेरिटी है परमेश्वर की आत्मा की। सुन, आप देखो यहूदा इस्करियोती के सामने बॉटल तोड़ दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए, उसके सामने बॉटल तोड़ दी गई और उसे गुस्सा आया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा था, इसको बेच के गरीबों में दिया जाता था, लेकिन बाइबल बताती है वो चोर था। यीशु मसीह के थैली में से पैसे लेता था वो और अपने ऊपर उड़ाता था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस आदमी के अंदर पैसों का प्रेम था। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर पैसों का प्रेम है कि नहीं है? मेरी बात याद रखिएगा, इस अंतिम जगत में परमेश्वर अगर किसी को फाइनेंशियली ब्लेस करेगा तो याद रखना किसी वजह से करेगा। जब यीशु कहता है अपने लिए धन इकट्ठा न करो, इसका मतलब दूसरों के लिए करना है। लेकिन इस बात को भी याद रखिए, वो पैसे किसी गलत आदमी के पास नहीं जाने चाहिए, यह भी ध्यान दीजिएगा। आपको लोगों की मदद बहुत ही बुद्धिमानी से और बड़े गुप्त तरह से करनी चाहिए। आपको पता है आहिस्ते आहिस्ते ये कोड उसके अंदर फैलता गया और एक दिन जानते हो उसके साथ क्या हुआ। अब देखिए, मैं आप मत खोलिए, सिर्फ ब्रदर एक वचन खोलिए, देखिए ये बाइबल का सबसे खतरनाक वचन है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टफ है ये, बस सिर्फ एक वर्ड खोलो, लूका 22:3, आप मत खोलिए प्लीज, आपसे यहां पर देखिए क्या लिखा है यहां पर। और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता, और 12 चेलों में गिना गया। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, इस आदमी के अंदर पैसों का प्रेम है, ये आदमी पैसों के प्रेम में चलता जा रहा है। आपको मैं सबसे दुखद बात बताऊं, पैसों को प्रेम से बाहर निकालने वाला साथ है, लेकिन ये उसको नहीं जानता है। एक दिन जानते हैं क्या हुआ, यीशु मसीह को पता था कि अब वो उठाए जाने पर है। उठाए जाने से पहले यीशु ने रोटी को तोड़ा और हरेक को दिया। आप बिलीव कर सकते हो, प्रभु भोज हरेक के लिए ब्लेस्ड मोमेंट होती है, लेकिन इस आदमी ने जैसे रोटी का टुकड़ा खाया, लिखा है शैतान समा गया। अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, क्यों शैतान यहूदा में समा गया? उसके बाद आप देखो वो सीधा एक अलग ही कंट्रोल में हो गया, एक अलग ही कंट्रोल में।
कभी कभी आपने इस बात को देखा है कि आप कितने नॉर्मल होते हो कभी कभी, और सडनली आपको कोई कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, आप इतने नेगेटिव हो जाते हो, आपको इतना गुस्सा आ जाता है, कभी कभी आपको लगता है कि मैं सबको तहस नहस कर दूं, या आप कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि ब्लेड लूं और मारना स्टार्ट करूं अपने आप को या खत्म कर दूं। आपको पता है कभी कभी कोई क्यों आपको कंट्रोल करता है? सिर्फ फुट डाला गया था डेविल ने, ये देखिए सिर्फ फुट डाला था उसने, फिर पूरा कैसे आ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा के लाइफ में एक चीज थी, एक चीज जिसकी वजह से डेविल उसमें समा गया। जानते हो कौन सा? यहूदा ने अपने पाप को अंगीकार करना नहीं सीखा था। सोचो, एक मीटिंग चल रही है, पतरस यहां बैठा है और यहूदा वहां बैठा है, यीशु प्रीच कर रहा है, दोनों साथ में एक ही बेंच में बैठे हुए हैं, पतरस सुन रहा है, यहूदा भी सुन रहा है, यीशु कहता है माफ करो हर एक को, पतरस सुन रहा था, अचानक पतरस कहता है अगर मेरा भाई 7 बार गुनाह करता है कितनी बार माफ करूं? पर कभी यहूदा ने यह सवाल पूछा, प्रभु मेरे को बहुत ख्याल आते हैं इस थैली में से पैसे निकालने के लिए, मुझे लगता है मेरे पैसों का प्रेम है, क्या जीसस हर एक को कंपैशन के साथ टीच करता था, क्या वो यहूदा को रास्ता नहीं दिखाता? आपको पता है आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ब्रदर मेरे लिए क्रिश्चियन लाइफ बहुत हैवी है, मैं डिस्टर्ब हूं, डिस्करेज हूं। मैं आपको नंबर 1 रीजन बताता हूं, यू आर नॉट कन्फेसिंग योर सिंस। मैं बड़े प्रेम में आपको समझा रहा हूं, मुझे सोचिए जब पवित्र आत्मा को कभी कभी दर्शाता है कि तेरा बात करने का तरीका सही नहीं था, तेरा ये वे सही नहीं था, क्या आप सिंसियरली उसके सामने अपने गुनाह को मान लेते हैं? आपको पता है जो आदमी अपने गुनाह को नहीं मानता, आप देखो आहिस्ते आहिस्ते वो ड्राई और डेड हो जाता है, पहले ड्राई फिर डेड। याद रखना, पहले सूखा आता है फिर मौत आती है, पहले मौत बाद में सूखा नहीं आएगा, पहले पहले आप ड्राई होते जाओगे। ड्राई मतलब समझते, आपको यीशु एक्साइटेड नहीं करेगा, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा प्रेयर करना यार एक बर्डन सा हो गया है मेरे लिए, मुझे अपने आप को पकड़ के प्रार्थना करना चाहिए, करवानी पड़ती है। जानते हो इस आदमी ने अपनी आंखों से देखा था कि एक स्त्री जिसके 5 पति थे और 6वां भी इसके साथ नहीं था, वो यीशु से मिलके बदल गई थी। अगर ये वहां पर आके कहता प्रभु मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु मुझे बहुत सारे ख्याल आते हैं थैली में से पैसे निकालने के लिए, प्रभु मैं चोर आदमी हो गया हूं, मैं पता नहीं क्या क्या करता हूं, मैं आपको सच कहता हूं अगर सिर्फ यीशु के सामने वो इस तरह जाता, आपको पता है आज स्वर्ग के 12वें खंभे पे इसका नाम रहता, पर अब उसका नाम वहां नहीं है, अब मितिया का नाम है वहां पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से हर व्यक्ति एवरी डे कुछ सेकंड्स निकाल के अपने गुनाहों को, अपनी कमजोरियों को खुदा के सामने मान लेता है? एक परमेश्वर के दास ने कहा तुमने क्या किया है प्रभु जानता है, तुम क्या कर रहे हो वो भी जानता है, तुम क्या करने वाले हो वो भी जानता है। जब आप एक ऐसे परमेश्वर के हाथ में है जिसको सब कुछ पता है, तो उसके सामने क्यों नहीं जाते? यशायाह नबी कहते हैं आओ वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी मैं उसे श्वेत कर दूंगा। आपको हैवी चलने की या आपको बर्डन के साथ चलने की कोई नीड ही नहीं है। कभी कभी आप ये देखते हो कि एक ऐसा भी समय आता है जब परमेश्वर आपको अंदर से हैवी कर देता है, कम इधर आ, इस आदमी को देखो, रोटी का टुकड़ा, अरे प्रभु वो जो ब्लेसिंग होती है ये दर्शाती है कैसे प्रभु मरा और इसके लिए कर्स हो गई। सोचो यहोशू की किताब में लिखा गया है एक जगह पे इजरायली लड़ने के लिए गए, और जानते हो थोड़े से लोगों के बाद, थोड़े से लोगों के से लड़के वो हार गए थे, और सीधा यहोशू मिलाप वाले तंबू के सामने गिरकर कहता है मैं निश्चय जानता हूं तू हमारे बीच में नहीं था, मैं जानता हूं तू नहीं था इसलिए हम हार गए हैं। और प्रभु उसको बोलता है रो क्यों रहा है, उठ मैं तुझे बताता हूं क्या बात है। और यहोशू खड़ा हो जाता है, बोलता है सुन मंडली में गुनाह हुआ है। बोलता है क्या गुनाह हुआ है? बोलता है जो तुमने आखिरी शहर में लड़ाई लड़ी, वहां से जो तुम अर्पण की हुई वस्तु लेकर आए थे, एक आदमी है उसने वो चीजें लेके चुराई हैं। आप जानते हो इसराइल क्यों हार गया? क्योंकि गुनाह
दबा हुआ पड़ा था, दबा हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, एक प्रेयर में आपको बताता हूं, बताओ उस प्रेयर में क्या मिसिंग है। हे प्रभु, मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूं, आमदनी का दशमांश देता हूं, मैं इस आदमी की तरह चोर और व्यभिचारी नहीं हूं। मुझे बताओ, इतना बोल के वो चुप हो गया। क्या आपको लगता है कि इसको एक और चीज बोलनी चाहिए थी? वो कौन सी चीज थी? सुनिए, हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं चोर और व्यभिचारी नहीं हूं इसकी तरह, मैं आमदनी का दशमांश देता हूं, सप्ताह में दो बार उपवास करता हूं, मैं नियमित प्रार्थना करता हूं। अब बताइए क्या मिसिंग लग रहा है आपको? कौन सी चीज थी इसको जो और बोलनी चाहिए थी? प्रभु, मैं दो बार उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, पर मुझ में आत्मिक घमंड भी है, मैं कंपैरिजन भी करता हूं। ये इसने बोला ही नहीं। जानते हो उसने क्या बोला? मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं। आज बहुत सारे लोग की प्रार्थना जानते हैं क्या है? ऐसी ही है। सारी अच्छी खूबियां उनको पता है, लेकिन वो किस तरफ से लैक है, दे डोंट नो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं एक स्टोरी, बहुत ऑसम स्टोरी है ये। मेरे ख्याल से आप में से बहुतों ने ये पढ़ी भी है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक बेसिक मैसेज आज प्रीच करूं कन्फेशन के ऊपर। सुनिए, दो बच्चे थे, वो एक गार्डन में खेल रहे थे। एक छोटे बच्चे ने, भाई बहन थे, भाई ने जानते क्या किया, हाथ में पत्थर लिया और वहां पर एक खरगोश खेल रहा था, उसको सीधा मार दिया और वो पत्थर खरगोश के आंख पे लग गया। 2 मिनट के बाद उसने क्या देखा कि खरगोश का चलना थोड़ा स्लो हो गया और अचानक वो मर गया। अब ये सब उसने आंखों से देखा कि मेरी वजह से ये मरा है, और अपनी बहन को जाके बोलता है, सुन, खरगोश मर गया है, तू मां के सामने मुंह मत खोलना। और जानते हैं बहन ने क्या कहा? बहन ने कहा, बिल्कुल नहीं खोलूंगी, लेकिन एक शर्त है। बोला, क्या शर्त है? तुझे मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। कई महीनों तक उसने उसको होमवर्क करवाया। जब भी वो कहता मेरे को कहां जाना है, उसकी बहन एक ही बात बोलती, जाऊं। बचपन में कभी आपने भी किया है क्या ऐसा? किया होगा कभी ना कभी, है ना, भाइयों को ब्लैकमेल। हम बेचारे निकले ही ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है, हमारे पास बहुत अत्याचार हुआ है। लिसन, आप जानते हो बहन हमेशा ऐसा ही बोलती थी, जाऊं क्या? और हमेशा ये चीज उसको बंधनों में रखती थी। एक दिन बहन आई, सीधा उसे बैग उतार के फेंका और कहा, आज बहुत होमवर्क है, अच्छे से करना। और ये आदमी अपने हाथ में पॉपकॉर्न लेके खा रहा था, और बहन बोला, होमवर्क कर। नहीं करूंगा, जा रही हूं मां के पास, अब भी जा। अरे तुझे डर नहीं लग रहा? क्यों डरने? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? क्यों? मैंने मां को सब बता दिया। और जानते हो जब वो लड़का अपनी मां के पास गया था, उसकी मां ने उसको क्या कहा? बेटा, जब तूने खरगोश को मारा, मैं किचन में खड़ी थी, आंखों से मैंने सब देखा था, वेट कर रही थी तू कब आएगा। आप जानते हो जब आप अपने गुनाह को मान लेते हो, शैतान को आपके अंदर रहने की कोई जगह नहीं मिलती है, आपके अंदर परमेश्वर निवास रहता है। जैसा वह ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में रहें। इसका मतलब जैसे वो लाइट में है, और जब वो लाइट तुम्हें दे कि तुम अंधकार में हो, जब तुम उस इज्जत करोगे उस ज्योति की, तब उसका लहू तुम्हारे सारे अपराधों को धोकर शुद्ध और साफ करता है। ऑलवेज वॉक इन द लाइट, ऑलवेज। आपको पता है कौन से वो जो लोग हैं जो पहले प्रभावित होते हैं फिर पजेस हो जाते हैं? एक होते हैं शैतान के प्रभाव में, जिनको सारा दिन मेंटल हैरेसमेंट किया जाता है, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, और एक दिन वो पजेस हो जाते हैं, मतलब शैतान उनका कब्जा ले लेता है। आपने कई बार लोगों को देखा होगा मीटिंग के बाद, वो तड़पते हैं, परेशान होते हैं, पूरी उनकी बॉडी श्रिंक होती है। क्यों? क्योंकि वो पजेस हो गए हैं। इसीलिए बाइबल बताती है, अपने अपने गुनाहों को मान लो। मैं एक ऑसम वर्ड आपको बताता हूं और उसके बाद हम लोग मैसेज को पूरा करेंगे। बट प्लीज एक वर्ड खोलो, नीति वचन 28:13। सब खोलिए मत, सिर्फ पढ़िए। देखिए यहां पर क्या लिखा है, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता,
परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराध को मान लेता है, चलो ठीक है मैं जानता हूं ये हम नहीं कर सकते, ये परमेश्वर ही करता है, लेकिन कम से कम हम उसको मान तो सकते हैं कि हां खुदा मुझ में है गड़बड़। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रेयर करते हैं, प्रभु मेरी आंखें शुद्ध नहीं हैं, मेरे पास शिमशोन की आंखें हैं। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रभु को कहते हैं, प्रभु मेरी जुबान सिर्फ कलीसिया में मीठी चलती है, इसके बाद मेरे अंदर से पूरा खारा जल निकलता है। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मैं मुंह पे सुनाने वाला व्यक्ति हूं। कितने लोग हैं यहां पर प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तूने मुझे गवाह होने के लिए बुलाया था पर मैं न्यायी बन गया हूं इन दिनों में। टेल मी, कितने लोग हैं यहां पर जो अपना बिगेस्ट सिन प्रभु के सामने मान लेते हैं, प्रभु मैं अपने आप को उतना आत्मिक दिखाता हूं जितना मैं हूं भी नहीं। कितने लोग हैं जो प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मैं आराधना में झूठ बोलता हूं, सोना भी तेरा चांदी भी तेरा जुबान भी नहीं दी मैंने तेरे को अभी तक। आप जानते हैं प्रभु को क्या चाहिए, जानना चाहते हैं? इब्रानियों में लिखा है प्रभु की पहली जरूरत क्या है, लिखा है तूने अपने लिए एक देह तैयार की। कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर को एक बॉडी चाहिए, आप चाहिए। A.W. Tozer ने कहा तुम्हारे हृदय नहीं तुम्हारे विचार प्रभु को चाहिए। दिल देना बहुत आसान है, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से मेरा दिल ले ले सब ले ले, प्रभु बोलेगा नहीं चाहिए, इतना बटा हुआ है कहां कहां से लाऊं, मुझे विचार चाहिए, थॉट्स चाहिए। यू नो दिल देना बहुत आसान है लेकिन थॉट्स देना बहुत डिफिकल्ट है। कितने लोगों ने बाइबल में यह पढ़ा है, इब्रानियों की पत्री में, तूने भेंट नहीं पर तूने एक देह चाहिए, एक बॉडी चाहिए। इसीलिए मसीह यीशु जगत में आते समय कहते हैं देख मैं यहां पर हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर को आपके पैसों को बाद में चाहिए पर पहले आपका बदन चाहिए। इसलिए यीशु कहता है आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप ये चाहते हो कि कभी डेविल आपके अंदर फुट अंदर न रखे, वो हमेशा आपसे दूर रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के ज्योति की इज्जत करो, रिस्पेक्ट द लाइट ऑफ गॉड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करो एक मिनट के लिए, मैं चाहता हूं आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। नो डाउट व्यभिचार एक बहुत बुरा पाप है, हत्या भी एक बड़ा पाप है, झूठी शपथ खाना भी एक पाप है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों इस पाप को लेकर प्रभु ने कहा कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। कितने लोगों ने पत्रस में यह वचन पढ़ा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु व्यभिचार में ऐसा क्या नहीं है तू विरोध नहीं करेगा, हत्या में क्या नहीं है जो तू विरोध नहीं करेगा, घमंड में ऐसा क्या है कि तू मेरा विरोध करेगा? आपको पता है घमंड क्या है? घमंड है क्या एक्चुअली? आपके हिसाब से घमंड क्या है? प्राइड है क्या? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपके डेफिनेशन में आपकी जो डिक्शनरी है आप ईगो को क्या बोलते हो? आप जानते हैं घमंड एक ऐसी चीज है जो आपको एक ब्लैक कलर का चश्मा पहना देगा जहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा सिर्फ दूसरों के गुनाहों को छोड़कर। डू यू नो घमंड की सबसे गंदी बात जानते क्या है? वो आपको परफेक्ट और सबको अनपरफेक्ट दिखाएगा। दैट इज प्राइड। बहुत सारे लोगों को इस प्रकार का घमंड नहीं पता है। मालूम है घमंडी आदमी की सबसे बड़ी साइन क्या होती है? बाइबल बताती है यदि कोई कहे कि मुझ में पाप नहीं तो वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। घमंड की सबसे गंदी बात जानते हैं यही है, वो आपको परफेक्ट और हर एक को असिद्ध अनपरफेक्ट नीच
नीच मतलब नीचा, एकदम मतलब ये लोअर है, इसको कुछ भी नहीं पता है, बाइबल मुझे पता है, प्रेयर मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, एक घमंड की सबसे। और मैं आपको सच कहता हूं, लिसन, घमंड कभी आपको नहीं बोलेगा कि मैं तुझ में प्रेजेंट हूं। कभी भिखारी से मिले आप, उसके करीब जाके देखिए, उसके कपड़ों में से आपको स्मेल आएगी पर उसको नहीं आती है। उसके लिए नॉर्मल है, वो बोलेगा ये तो मेरे लिए मेरा सूट है, मैं एवरीडे पहन के इसको बिग भांगता हूं। लेकिन आप उसके सामने जाओगे ना, आप उसको बोलोगे भाई दूर रहे, इतने फटे क्यों। आपको याद रखना, घमंड कभी भी आपको स्मेल नहीं देगा। लेकिन एक स्पिरिचुअल आदमी के अगर सामने आप गए ना, वो तो आपको 2 मिनट में स्कैनिंग करके दे देगा कि आपके साथ क्या क्या है, 2 मिनट में। और ये जो आईब्रोस होते हैं ना भाइयों के बहनों के, घमंड के अंदर एक चीज है, इसको ऊपर लेके जाता है बार बार, डू यू नो, हाँ दूर से ही, हाँ। और कुछ लोग इतने शाणे हैं, उनको बोलना है, उनको पता है कि मेरे को गलत नहीं बोलना है ना, फिर वो मस्त आंखों से और एटीट्यूड से घमंड दिखाते हैं, हाँ, एंग्री एक्सप्रेशंस। आप देखो कभी कभी बीवियां खाना कैसे देती हैं पति को, देखा है आपने, झगड़ा नहीं होता है तो कैसे देते हैं, कितना इज्जत से देते हैं, गरम फुल्को खाई दो लगता है इसके साथ रोज होता है लेकिन अगर आप देखो झगड़ा हो तो उसके बाद खाने का तरीका कैसे हो जाता है, डू यू नो, ऐसा, अरे रख तो बरोबर, हाँ आप देखो खाना टेबल, उसका शक्ल भी नहीं देखेंगे, ऐसा लेकर रहेंगे खाना, कौन बोलता है हिटलर मर गया, अभी भी जीवित है लोगों में। मेरे भाइयों और बहनों, एक लास्ट थिंग कह के खत्म कर देता हूं, प्लीज कन्फेस योर एटीट्यूड। ये कलीसिया आपको हमेशा वॉर्न करेगी, अनगॉडली वेज में मत जाओ। आई एम सो सॉरी, मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचर नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर हमारी जरूरतें ऐसे ही पूरी कर देता है। आपको कपड़ा चाहिए, शेल्टर चाहिए, पीने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए। अरे यीशु ने कहा परमेश्वर अधर्मी किसानों को देता है, अपने धर्मी बच्चों को नहीं देगा, उनको तो वो ऐसे ही दे देता है, आपको नहीं देगा। रियल चीजों को समझो, आप और मैं यीशु की दुल्हन है, और याद रखना वो एक ऐसी दुल्हन को लेने के लिए नहीं आ रहा जो ऐसे अंगूठा चूस रही है, वो एक सिद्ध दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है जो एटलीस्ट ऑनेस्ट हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हर दिन जब आप प्रार्थना में जाते हो, अपने अपने गुनाहों को मान लो। मैं आपको सच कहता हूं, ये एक टेस्टमनी है परमेश्वर के एक जन की, जो 45 साल से बीमार नहीं पड़ा है आज तक, हैदराबाद में रहता है। आपको पता है वो क्या बोलता है, बोलता है मैं 45 साल से ना मुझे हेडेक हुआ है, ना मुझे स्टमक हुआ है, ना मुझे पेन हुआ है। आपको पता है लोगों ने उससे पूछा तू ठीक कैसे रहता है, यू नो व्हाट ही सेड, आई कन्फेस माय एवरी सिन। मैं यीशु के नाम से कहता हूं अपने गुनाहों को मानना सीखो, तुम जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ोगे, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी बॉडी में, तुम हमेशा हेल्दी एनर्जी से भरे हुए रहोगे। जानते हो क्यों, क्योंकि तुमने डेविल को कभी चांस नहीं दिया अपने अंदर आने का, तुमने उस ज्योति की इज्जत की जो खुदा ने तुम्हें दी थी।